नमस्कार, आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। मैं हूं आसिफ और जिस तरीके से नोटबंदी का असर लोगों में देखा जा रहा है, अफरा तफरी का माहौल है, ठीक उसी तरीके से शेयर मार्केट में भी इसका असर पड़ा है और घमासान जारी है। और इस पर पूरी चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी और मार्केट एक्सपर्ट अंकिता। अंकिता जी, आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा और शेयर बाजार में लगातार गिरावट का रुख है, एक दिन मार्केट प्लस में रहता है तो दूसरे ही दिन गिर जाता है, कहीं ये पीएम मोदी की नोटबंदी के निर्णय के कारण तो नहीं हो रहा है? जी, आपने सही सवाल किया है। और देखिए, इसके दो कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं पहले नोटबंदी पे आना चाहूँगी। नोटबंदी का असर डायरेक्ट रूप से तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से लॉन्ग टाइम तक पड़ने वाला है, क्योंकि जो कंपनियाँ सीजनल साइज गुड्स बेचती हैं, नोटबंदी के कारण उन पर। यहाँ पर मैं आपको एक मिनट रुकना चाहूँगा, हमारे दर्शकों को बताएं कि सीजनल गुड्स और वाइट गुड्स इंडस्ट्री क्या होती है, थोड़ा सा इसका जिक्र करें। देखिए, आपने सही सवाल किया है। ये सीजनल गुड्स में खासकर वो चीज़ें आती हैं जो हमारे विंटर वियर्स हैं, ये सब सीजनल गुड्स में आते हैं। और दूसरा आपने पूछा मुझसे वाइट गुड्स क्या है। वाइट गुड्स तो वाइट गुड्स में आता है कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल, रेफ्रिजरेटर, एसी, गीज़र आदि से हैं। और जैसे कि लोगों के पास पैसा नहीं है, इसलिए इन सब चीज़ों की खरीदी नहीं हो रही है। जब सामान ही नहीं बिकेगा तो कंपनियों का बुरा हाल तो होगा ही। अगले तिमाही के रिजल्ट में इन कंपनियों के शेयर पर नोटबंदी का ज़्यादा असर दिखने वाला है। मैंने अभी दो कारण बताए, पहला नोटबंदी का था और दूसरा ट्रंप की जीत का है। तो जिस तरह ट्रंप की जीत हुई है, उसे अभी तक विश्व बाजार स्वीकार नहीं कर पा रहा है। और आपने रिजल्ट के बाद देखा ही होगा कि कितनी तेज़ी से बाज़ार गिरा था। इन दिनों लगातार FIs भारतीय बाज़ार से पैसे निकाल रहे हैं और एक असंतोष का माहौल बना हुआ है। कमोवेश यही माहौल भारत में भी है, जिसका सीधा असर मार्केट पर देखा जा रहा है। जी बिल्कुल अंकिता जी, अभी जो हमारे पास रिपोर्ट है उसके मुताबिक कल भारतीय शेयर बाजार से FIs ने लगभग 7,000 करोड़ रुपए निकाले हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी पैसे निकाल रहे हैं, तो साफ है कि आने वाला समय बाजार के हिसाब से कठिन है। निवेशकों को अपनी गाढ़ी कमाई पर ध्यान देते हुए नए निवेश से पहले सोच विचार कर लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता जी, आपने दर्शकों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। जी धन्यवाद। शेयर बाजार लाइव में फिलहाल इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।